मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हमने का खा गा लिखना सीख लिया। अब हम घा से घड़ी, घा से घर, घा से घड़ी, घा से घर, घा से घायल, घा से घायल, घा से घमंड। बोलो, घा से घड़ी, घा से घर, घा से घायल, घा से घमंड। बेटा, घा से घरेलू, कहते हैं ना घरेलू काम बहुत ज्यादा होता है, घर का काम बहुत ज्यादा होता है, ऐसे बोलते हैं घा से घरेलू, है ना। फिर से बोलिए बेटा, घा से घड़ी, घा से घमंड, घा से घायल, घा से घरेलू, और बताइए घा से घंटी, है ना। वेरी गुड बेटा, आज हम लिखना सीखेंगे घा। क्या लिखेंगे? घा लिखें। रेडी, सीटिंग लाइन। अब आपको इसे बनाना है आधा अक्षर जैसे। बनाइए बेटा, फिर एक और बनाइए इसे आधा अक्षर, और स्टैंडिंग लाइन से जोड़ना है, खड़ी हुई लाइन से जोड़ना है। यह हम दो आधा चांद समझ, है ना, दो आधा चांद बनाकर हम घा बनाना सीखेंगे। फिर से देखो बेटा, स्लीपिंग लाइन। घड़ी, सब लोग घड़ी बांधते हैं ना समय देखने के लिए,
जोड़ दिया। घासे घड़ी, बोलो घासे घर। वेरी गुड, फिर से लिखो बेटा, स्लीपिंग लाइन खींचो, फिर इधर आधा अक्षर, एक और आधा अक्षर, और हमको स्टैंडिंग लाइन से जोड़ना है। इससे जोड़ना है स्टैंडिंग लाइन से। फिर से लिखिए स्लीपिंग लाइन, एक और आधा अक्षर, और स्टैंडिंग लाइन से जोड़ दो। बन गया हमारा घासे घमंड, घमंड करना है ना, घासे घड़ी, घासे घर, घासे घंटी, घासे घायल, घासे घमंड। वेरी गुड बेटा, बोलना है लिखना है ना। घा, क्या लिख रहे हैं हम? घा, फिर से बोलो और लिखो। स्लीपिंग लाइन, आधा अक्षर, एक और आधा अक्षर, और स्टैंडिंग लाइन से जोड़ दिए। घा, घा से घर। स्लीपिंग लाइन, आधा अक्षर, एक और आधा अक्षर उसी के पास से, और स्टैंडिंग लाइन से जोड़ दिया। हमने घा घड़ी का लिखना सीखा आज। हमने क्या क्या सीख लिया? आ से आहा तक लिखना सीख लिया है ना, और का से गा घा घड़ी तक सीख लिया। बोलो बेटा एक बार हम पूरा मौखिक अभ्यास करेंगे। बोलो, आ से अनार, बड़ा आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईट, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊंट, ऋ से ऋषि, ए से एडी, आई से आईना, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, अहा खाई, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, घा से घर, घा से घमंड, घा से घंटी, घा से घायल है ना। सबको लिखना है और मौखिक अभ्यास जरूर करना है। फिर से बोलिए, का से कबूतर, बोलो मिस के साथ, खा से खरगोश, बोलो घा से गमला, घा से घड़ी। बोल बोल कर सीखना है और बोल बोल कर ही लिखना है, तभी हम लिखना और बोलना सीखेंगे, ठीक है बेटा। और सभी को मम्मी की बात मानना है, मानते हैं आप लोग? वेरी गुड बेटा, सबको मम्मी की बात मानना है और पढ़ना है। बाय बेटा।